मकसद तो है ओ, इसका मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए, शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिससे मैंने इस कदर टूट टूट के मोहब्बत की आज उससे इस कदर टूट टूट के नफरत करूंगा। अबूजान आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि अगर ये मामला सबके सामने खुला तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब जाकर दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली जब डॉक्टर ने ये कहा कि अबू को कोई खतरा नहीं। वैसे दादा जान को दिल का दौरा पड़ा कैसे? अभी तक तो कुछ भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सबको लगता है कि जरूर मिर्जा साहब ने कुछ बोला। किसी मजबूरी में आकर उसने इनकार किया, किसी ने उसे मजबूर जरूर किया होगा इनकार करने के लिए। अबूजान शमा को कौन मजबूर करेगा, क्यों और किस लिए? सुहा को हमारे घर की बहू बनाने के लिए, लेकिन सोहा को बहू बनाने का मकसद क्या है? हम इस मकसद की हकीकत तक पहुंच जाएंगे, हम जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन असगर कभी नहीं। पहले हमें ठीक हो जाने दो, ये फरेब सामने जरूर आएगा। इस फरेब के पीछे क्या मकसद है वो सामने जरूर आएगा। बस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए हम बस। अल्लाह कसम अल्लाह झूठ ना बुलवाए, जो मौके का फायदा ना उठाए मला वो इंसान कैसा। और सब लोग यहां मौके का फायदा ही तो उठाते हैं, एक मैं ही हूं जिसने हर मौके पर बस नुकसान ही झेला है, फायदा तो दूसरे ले जा रहे हैं। जमाल भाईजान ने भी तो मौके का फायदा ही उठाया है, मौका देखा और अपनी सोहा को बांध दिया अल्तमश के गले में। लेकिन मैं शमा के गले में अपने बेटे के नाम की बेड़िया कब पहनाऊंगी? लेकिन उसके लिए जरूरी है पहले मेरा बेटा आदिल इस घर में तो आए, और उसे इस घर में लाने का ये अच्छा मौका है। मुझे भी तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। हाँ अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह कसम अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आखिर कब तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करोगे? लोग अपनी अपनी अकल का इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अम्मी आपके कहने पर ही अकल का इस्तेमाल किया था, कहाँ से कहाँ तो नहीं पहुंचा पर घर से बाहर जरूर फेंक दिया गया। मेरे प्यारे बेटे, तुझे घर में वापस लाने के लिए ही तो फोन किया है मैंने। तुझे कुछ पता भी है? तेरे नाना जान को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? हाँ बेटा, सुन, यही मौका है कि नाना जान की खिदमत करके घर में वापस पहुंचा जा सके। एक बार अगर उन्होंने तुझे घर में आने की इजाजत दे दी तो फिर कोई तुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकेगा। और सुन, शमा के करीब रहने का भी ये अच्छा मौका है, समझा?
हाँ अम्मी, आप बताइए मुझे करना क्या है। सुन, मैं तुझे बताती हूँ क्या करना। शामा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। शामा, कहाँ जा रही है? शामा, इन्होंने कुछ पूछा था तुमसे। कहाँ जा रही है? हम दादाजान से मिलने जा रहे हैं। उनके दिल के दौरे की वजह से तुम बन चुकी हो। अब यहां क्या उनकी मौत की वजह बनने आई हो? शमा, चाची जान, हॉस्पिटल की कोई खबर आई? दादा जान को होश आया? हाँ, उन्हें होश आ गया। और तुम्हें मालूम है, होश आते ही सबसे पहले उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा। हमें मालूम है चाची जान कि दादा जान हमें कितना मानते हैं। हमने निकाह से इनकार करके उनका दिल जरूर तोड़ा है, लेकिन खुदा गवाह है कि हमने ये जानबूझकर नहीं किया चाची जान। लेकिन शमा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये भी तो तुम किसी को बताती नहीं हो। हम पर ऐतबार कीजिए चाची जान, हमारी कोई मजबूरी थी। हमें पता है कि घर वालों को हम इसकी वजह ना बताकर उनकी नजर में गुनहगार बन गए, लेकिन हम गुनहगार नहीं है चाची जान। और हमें गुनहगार समझ के वो हमें दादा जान से नहीं मिलने दे रहे। शमा, इस इनकार के पीछे चाहे तुम्हारी कोई भी मजबूरी रही, लेकिन ये इनकार तुम्हारा अपना हक है और तुमसे ये हक कोई नहीं छीन सकता। और दादा जान से मिलना, उन्हें देखना, वो हमारा हक नहीं है। हक है ना? तो हमसे ये हक क्यों छीन लिया गया चाची जान, क्यों छीन लिया गया? नहीं शमा, तुमसे ये हक कोई नहीं छीन रहा, लेकिन कई बार गुस्से और नाराजगी में आकर ऐसी बातें हो जाती है। और इसी बात पर तुम्हारे चाचा जान ने शहनाज और असगर को बहुत डांटा। तुम अब्बा जान से मिल सकती हो। सच? चाची जान? हाँ, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। जाओ। जाओ, जाओ। नाना जान, कैसे हैं आप? आदिल, तुम? हाँ नाना जान, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मुझे तो कल रात नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, लेकिन आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नाना जान, माना कि उस दिन न जाने मुझसे कैसे गलती हो गई, लेकिन आखिर हूं तो उसी खानदान का। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा
कि आपको दिल का दौरा पड़ा है और मुझे किसी ने खबर तक नहीं दी। किसी और की बात तो छोड़िए, मुझे अम्मी ने बताना जरूरी नहीं समझा। क्या मैं इतना बुरा हूं नाना जान? नहीं आदित्य, आदमी क्या क्या गलतियां करता है, उससे क्या क्या गुनाह होते हैं, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल। फैसला तो वही करते वो जो ऊपर बैठे, और अगर तुम्हारे दिल में अपनी गलती को लेकर पछतावा है तो गलती क्या, पछतावा तो गुनाह भी धो डालता। अब ये सब भूल जावा दिल बेटे, ये सब भूल जा। नाना जान, आपने तो हमें मुआफ कर दिया, लेकिन मेरे अपने अब्बू मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं है। बेफिक्र रहो आदिल, बेफिक्र रहो, मैं सलीम मियां को समझा दूंगा, और अब तुम्हें और दर बदर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया नाना जान, शुक्रिया। बस बस बस। तुम्हें पता है अल्तमश, असगर बता रहा था, अब्बू का कहना है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा बड़े अब्बू? और अब्बू का कहना है कि वो इस धोखे को सबके बीच सरेआम करेंगे। कैसा धोखा बड़े अब्बू? और अब्बू का कहना है कि वो इस धोखे को सबके बीच सरेआम करेंगे। समझ में नहीं आता किसने क्या धोखा किया हमारे साथ। भाई अकबर, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि चचा जान को हार्ट अटैक हुआ क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? भाई हम तो निकाह की खुशियां मना रहे थे, सारा घर खुशियों में डूबा हुआ था, और उसके ऊपर ये हादसा, आखिर ये हुआ क्यों? यही तो सवाल है जिसका जवाब हम सब तलाश कर रहे हैं भाईजान। इस सवाल का जवाब तो सबसे पहले मिर्जा साहब से मांगना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त चाचा जान को दिल का दौरा पड़ा उनके पास मिर्जा साहब ही खड़े थे, वही उनसे बात कर रहे थे। भाईजान, हमने उनसे पूछा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे अब्बू को दिल का दौरा पड़ गया। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने भाईजान। कमाल है, यहाँ चाचा जान की जान पर बनी हुई है और वो कुछ बताना ही नहीं चाहते। वो कहाँ है वो, मैं उनसे पूछता हूँ। वो यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ चले गए? कहाँ जा सकते हैं मुझे बताओ, मैं जाकर उनसे बात करूंगा। इस सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए। उसी सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं, और अब तो दादा जान की बातों ने भी एक सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर हमारे साथ किसने क्या धोखा किया। जाहिर सी बात है अल्तमश, इस धोखे का ताल्लुक सिर्फ मिर्जा साहब से है, और उसी वजह से चाचा जान को दिल का दौरा पड़ा। अगर आप चाचा जान से रिश्ते की वजह से मिर्जा साहब से नहीं पूछ पा रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं जाकर उनसे पूछता हूं। इस सवाल का जवाब उनसे मैं लेकर आऊंगा। भाईजान, पता नहीं वो कहां चले गए। हमने सुबह उन्हें फोन किया था लेकिन उनका मोबाइल ऑफ था। उनका मोबाइल ऑफ है, इसीलिए तो उनके बारे में पता करने मुझे यहां आना पड़ा। क्या सोचने लगे भाईजान? नहीं, मैं सोच रहा हूं कि आपने उन्हें इस घर से जाने क्यों दिया। अब अगर मिर्जा साहब इस वक्त यहां होते तो हर बात का खुलासा हो जाता, हमें पता चल जाता कि चाचा जान के हार्ट अटैक के पीछे असली वजह क्या है। और अगर आप लोगों के पूछने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं बताया
तो फिर जरूर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही होगी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। वो क्या बात थी अब तो दादा जान ही बता पाएंगे। खैर रतमश, भाई जान आ ही गए तो इन्हें सुहा के पास ले जाओ। नहीं अकबर, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि सुहा इस घर में बहुत खुश हो, आखिरकार इस घर की बहू बनना उसके लिए भी तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, और इस घर की बहू होने के नाते इस घर के आज जो हालात हैं उनसे समझौता करना भी उसका फर्ज है। मैं फिर कभी उससे मिल लूंगा। चलिए निकलता हूं, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ भाई। अभी तक शम्मा ने हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा फरेब हुआ है। शम्मा, आओ मेरी बेटा। दादाजान, कैसी हो तुम? कैसी हो शम्मा? हम अच्छे हैं दादाजान, हम अच्छे क्योंकि आप अच्छे हैं। दादाजान, ऐसा अचानक क्या हो गया कि आपको दिल का दौरा पड़ गया? अगर हमें पता होता ना। बस बस बस, ये दिल का दौरा जो हुआ है इसकी वजह तुम नहीं हो, और मैं जानता हूं कि ये जो तुम इनकार कर रहे हो इसके पीछे कोई बात जरूर है, कोई बात जरूर है। अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए अब्बू। अगर ये वजह नहीं थी तो आखिर वजह क्या थी आपके दिल के दौरे की? आखिर किस बात का आपको इस कदर सदमा लगा कि आपको दिल का दौरा पड़ गया? तुम नहीं समझोगे फरहत, तुम नहीं समझो, लेकिन हमें पता चल गया कि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। शमा के निकाह को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आप क्या कह रहे हैं दादाजान? हम ठीक कह रहे हैं मेरी बच्ची, हम ठीक कह रहे हैं। हमें मालूम है कि निकाह के लिए इनकार करने के लिए जमाल ने तुम्हें मजबूर कर दिया। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए अब्बू। लेकिन जमाल भाईजान आखिर ऐसा क्यों करेंगे? हमें तो यकीन नहीं होता। आपको पता भी है आपकी इस हालत की वजह से उस घर में सारे लोग पूरी रात जगे हैं। जिन आंखों में डर जग रहा हो उन आंखों में नींद कैसे आएगी? और अब जमाल को मालूम है कि हम हकीकत से वाकिफ। इस मामले का खुलासा मिलेगा, खुलासा मिलेगा जरूर। आप कुछ मत कहिए दादा जान, आप आराम कीजिए, आपको सब्र और सुकून से काम लेना चाहिए। अब हमारे नसीब में सब्र और सुकून कहाँ, जब तक इस मामले का खुलासा निकल नहीं जाता, जब तक ये हकीकत सबके सामने नहीं आ जाती, तब तक हमें किस बात का सब्र? तब तक हम आराम की सांसें कैसे ले पाएंगे? अब मिर्जा हशमत को बुलाओ। अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए अब्बू, जरूर उन हसरत मिर्जा ने ही आपके कान भरे हैं। तभी तो रातों रात वो घर से रवाना हो गए हैं। आपको पता है अब्बू, वो घर छोड़कर जा चुके हैं। क्या? हाँ दादाजान, आप आराम कीजिए। मिर्जा साहब को बुलाना ही होगा, किसी भी तरह उन्हें वापस बुलाना ही होगा। सोहा और अल्तमश का निकाह एक फरीब की बुनियाद पर खड़ा किया हुआ एक रिश्ता है, और ऐसे रिश्तों की दीवारें कभी मजबूत नहीं होती, उन्हें एक ना एक दिन गिरना ही होता है। अब आराम कीजिए ना दादाजान, अब आराम कीजिए। उन्हें वापस बुलाओ, मिर्जा साहब को वापस बुलाओ। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए।
10 बार हशमत मिर्जा को फोन लगाने की कोशिश कर चुका हूँ। उधर अकबर और उसके खानदान वाले भी परेशान होंगे, लेकिन इसका फोन स्विच ऑफ है। न जाने ये हशमत मिर्जा है कहाँ। अबूजान, अगर उसके मोबाइल पे लगातार फोन किए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही वो अपना फोन ऑन करेगा उस घर के लोगों से उसकी बातचीत हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो सोहा का राज जो छुपा हुआ है वो खुलकर सामने आ जाएगा। चाचा जान तो सबसे कह चुके हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हशमत मिर्जा ने सोहा की असलियत उन्हें बता दी होगी। और मुझे तो शक है कि चाचा जान को हमारा मकसद भी समझ में आ गया होगा। अब चाचा जान को अगर हमारा मकसद समझ में आ गया होगा तो वो चुप थोड़े ही ना बैठेंगे। क्या हमें अपने मंसूबों पर पानी फिरते हुए देखने का इंतजार करना पड़ेगा? अब हेलो, अल्लाह कसम, अल्लाह झूठ ना बुलवाए भाईजान, आपने ये बात हम सबसे छुपा कर रखी, लेकिन अब आपकी वो हकीकत सबको मालूम हो गई है। यही वफा की आपने हमारे साथ, मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए और आपने मुझसे भी सब कुछ छुपा कर रखा। इसीलिए अल्लाह का कहर टूटा है। आप तो बस अपना मकसद पूरा करके मेरा मकसद भूल ही गए। आपको लगा था कि आपकी बेटी तो बस उस घर की बहू बन गई। ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम भरत? ये सब सुनाने के लिए मुझे फोन किया था तुमने? बकवास नहीं कर रही हूँ भाईजान, एक बार फिर आपको हकीकत से रूबरू करवाने के लिए मैंने फोन किया है। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अब्बू को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है।